पहले मैरिजेस में लोग हेल्पलेसनेस की वजह से रहते थे. नाउ पीपल आर चूजिंग टू पार्ट वेज. पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे सेपरेटेड और डिवोर्स्ड बच्चों को. फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है, रिसोर्सेज आ गए, एक्सेप्टेंस आ गई है. अब मैरिज बन गई है आई वॉन्ट टू बी मैरिड देन आई नीड टू बी मैरिड. आई गेस बहुत ही एक खूबसूरत चेंज देखा है मैंने. मे बी काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहले मैरिजेस में लोग हेल्पलेसनेस की वजह से रहते थे. अब लोग चॉइस की वजह से रहते हैं. अगर आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे नहीं है, नाउ पीपल आर चूजिंग टू पार्ट वेज. जो पहले हमारे पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा था, फिनेंशियल बर्डन था, तो इंडिपेंडेंस नहीं थी कुछ जेंडर्स को. सो आई गेस यू नो दैट इज़ इट इज़ अ ग्रेसफुल चेंज विच आई सी. एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ लोनलीनेस अब हो गया है बिकॉज वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. बट आई वुड से स्टिल इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिजेस एक बहुत ही अच्छा ग्रेसफुल चेंज है. यू वॉन्ट टू बी मैरिड, नॉट दैट यू नीड टू बी मैरिड. इट इज़ यू नो येस लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो गई है पहले के कंपेरिजन में, बट एट द सेम टाइम अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है. अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है. मैं इंडिपेंडेंट, जैसे अब मैं काम भी करती हूँ, बाहर दुनिया को जानती भी हूँ, दोस्त भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है. पुराने वक्त में वो सब कम होता था. पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे सेपरेटेड और डिवोर्स्ड बच्चों को, या सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत. धीरे धीरे स्टिग्मा हट रहे हैं. और अगर एक कपल में प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें फाइट होती है, बीट द वाइफ और द हस्बैंड और वट एवर जेंडर इट इज़, तो उनके पास चॉइस होता है. वो व्हाट्सएप पे किसी से बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे किसी से बात कर लेंगे. तो अगर पहले वो 4 घंटे बात नहीं करते थे, 5-5 घंटे कर लेते थे, लेकिन अब 2-2 घंटे, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 1-1 महीना हो जाता है. ज़रूरत नहीं पड़ती है. चॉइसेस बहुत बढ़ गई है. फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है, रिसोर्सेज आ गए, एक्सेप्टेंस आ गई है. इस वजह से एज ए सेड अब मैरिज बन गई है आई वॉन्ट टू बी मैरिड दैन आई नीड टू बी मैरिड. और लोगों को ये समझ आ गया कि इफ़ द पर्सन इज नॉट पुटिंग एज मच एफर्ट एज आई एम पुटिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बी देयर. सो आई गेस इक्वालिटी का भी अब काफ़ी आ रहा है अवेयरनेस.